हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रिपल टॉप पैटर्न। ट्रिपल टॉप पैटर्न क्या है ना, ट्रिपल टॉप पैटर्न क्या है, आप इस वीडियो को देखने से आपको पता लगेगा। देखिए, आइक्रोमोटर अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ये रिसेंट यानी आपका नवंबर 1 जो नेक्स्ट जो वीकली स्टार्ट होने वाला है, ट्रेडिंग सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, अभी क्या हुआ है ना, ट्रिपल टॉप बॉटम इसमें क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब है, आप देख सकते हैं, जब तक ये जो टॉप लेवल है, इस टॉप लेवल को ब्रेक नहीं करता है आइकर मोटर, तो उसमें आपको एक अपसाइड डायरेक्शनली ट्रेंड खत्म हो चुका है, हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये जो टॉप लेवल है 1, 2, 3, ये जो टॉप आप देख रहे हैं, ये टॉप लेवल से एक करेक्शन आना चाहिए, और ये जो बेस है, इस बेस को टूटता है, ये बेस टूटता है तो एक डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो पैटर्न क्रिएट हुआ है, ये है ट्रिपल टॉप पैटर्न। जो टॉप पैटर्न के आसपास आने के बाद ये जो आ रहा है, इस लेवल से एक क्या होगा, नेक डिक्लाइन फॉर्मेशन होता है। तो आइकर मोटर में आप ऐसा एक फॉर्मेशन हुआ है, आप देख सकते हैं। ट्रिपल टॉप पैटर्न क्या होता है ना, जब भी आपका टॉप लेवल, प्रीवियस टॉप लेवल जो बनता है, उसके आसपास आपका जब पैटर्न बन जाता है, वहां से एक डिक्लाइन फॉर्मेशन होता है, और स्ट्रॉन्गली डिक्लाइन फॉर्मेशन होता है, हम सोच सकते हैं नहीं, इसका एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के लिए स्टार्ट हो सकता है, नियरली यानी शॉर्ट टर्म बेसिस में होगा। एक ट्रिपल टॉप का पैटर्न होता है कि एक ट्रेंड जैसे एक चेंज होने वाला है, तो इसके साथ आपको देखना पड़ेगा कि ट्रिपल टॉप कहां पर होता है, वो ब्रेक होने के बाद आपको एंट्री करना चाहिए, अदरवाइज आपको उस लेवल पर रेजिस्टेंस मिलता है, शॉर्ट बिल्टअप होता है, डाटा फॉर्मेशन नेगेटिव साइड में होता है, उस लेवल पर आपको शॉर्ट करना चाहिए। सेकेंड एक मैं आपको बात कर रहा हूं, बजाज ऑटो, आप सेम टू सेम एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसा और भी एक बंधन बैंक में हुआ है, जो काल के सेक्शन में आप देख सकते हैं, उसमें एक फॉर्मेशन हुआ था, ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन हुआ था, देखने के लिए मिल रहा था। तो इसके साथ आप देख सकते हैं कैसे भारत एयरटेल में आपको, भारतीय एयरटेल में आपको देखने के लिए मिलता था कि पहले जो ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन होने के बाद कैसे डिक्लाइननेस फॉर्मेशन होता है, आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन होने के बाद कैसे डिक्लाइन फॉर्मेशन होता है, कैसे ट्रेंड चेंज हो जाता है। और एक बात देखिए, एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी चल रहा है, अक्टूबर का सेक्शन चल रहा है, आप देख सकते हैं कैसे डिक्लाइन फॉर्मेशन हो चुका है, और कैसे डिक्लाइन ट्रिपल टॉप बनाने के बाद कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। इसके साथ आप देख सकते हैं एस्कॉर्ट में, आप देख सकते हैं कैसे ट्रिपल टॉप बनाने के बाद, इसके बाद आपको कैसे ट्रेंड चेंज होता है। ये जो ट्रेंड है ना, ये जो बेस का लेन है, ये बेस का लाइन जब आपका टूटता है, इस लेवल को टूटता है, ये वाला एक डिक्लाइन फॉर्मेशन लेवल पर आ जाता है। आप देखते हैं एसबीआई ऐसे फॉर्मेशन होता है, एसबीआई सितंबर महीने के लास्ट, अक्टूबर सितंबर लास्ट अक्टूबर फर्स्ट तक आप देख सकते हैं जो फॉर्मेशन 26 सितंबर को हुआ था, ऐसे जब भी इस बेस क्रिएट हुआ, इसमें आपको डिक्लाइन फॉर्मेशन हो गया, यानी इस लाइन को ब्रेक जब किया, इस लेवल से आपको एक डिक्लाइन फॉर्मेशन होते हुए आपको दिखाई दिया, एक डाउन ट्रेंड के साथ आ गया, और जब सपोर्ट के लेवल पर आ जाता है, फिर से एक ट्रेंड के साथ ऊपर चलता। ये था आज के डिटेल्स, जो ट्रिपल टॉप पैटर्न, जिसमें आपको एक ट्रेंड चेंज होने का एक लेवल आपको फाइंड आउट होता है, उस लेवल के आसपास आए तो आपको शॉर्ट या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ट्रिपल टॉप पैटर्न ऐसा ही होता है। थैंक यू सो मच।